जैसे कि इतना बड़ा सिनेमा, ये हमने मोबाइल फोन के लिए नहीं बनाया। आज से ठीक 7 महीने पहले हमें आदिपुरुष की टीजर देखने को मिली थी, जिसके बाद सब लोगों ने मिलके इसकी जमकर ट्रोलिंग की थी, जिसकी वजह से फिल्म की डायरेक्टर ने फिल्म की रिलीज डेट को जनवरी से पोस्टपोन करके जून में कर दिया था, और जिसकी न्यू ट्रेलर हमें रिसेंटली देखने को मिली है। ये न्यू ट्रेलर टीजर से कहीं गुना बेहतरीन है, फिर भी इसको इतनी बैकलैश क्यों मिल रही है? अगर आप ट्रेलर को देखोगे तो इसकी VFX में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, पर जब आप इसकी CGI कैरेक्टर को देखोगे आपको काफ़ी इनकन्वीनियंट फील होगी। पर इसकी बैकलेस के कारण इसकी VFX और CGI नहीं है, इसकी बैड कैरेक्टर डिज़ाइन और परफॉर्मेंस है। हम हमेशा प्रभु राम को शांत और काम पर्सन की तरह देखते हुए आए हैं, पर यहाँ पर प्रभास को एज ए राम देखकर आपको लगेगा कि वो अभी भी बाहुबली की कैरेक्टर प्ले कर रहा है। एग्रेसिव एंड फील विद वेंजेंस। सनी सिंह का लक्ष्मण का पोर्ट्रेल भी मुझे पसंद नहीं आया। लक्ष्मण की जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी फील होनी चाहिए थी वो मुझे फील नहीं हुआ। पर प्रीति सनन ने सीता का रोल काफ़ी अच्छे से निभाया है। ट्रेलर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ट्रेलर ही बेकार थी। इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी बढ़िया है, अजय अतुल सर ने अपना काम बखूबी निभाया है, और ट्रेलर का एडिटिंग एकदम बेहतरीन है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्लॉज नज़रअंदाज हो जाते हैं, आसानी से नोटिस में नहीं आते हैं, और कुछ कुछ डायलॉग आपको गूज़बम्प्स देते हैं, जैसे कि जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ हमसे छुपाया है, जिसकी वजह से मोस्टली टीजर में इनको हिट मिली थी, जैसे कि रावण की रिप्रेजेंटेशन। रावण की सिर्फ 2 ही शॉट हमें देखने को मिले हैं इस ट्रेलर में, एक ये साधु वाला शॉट और एक बैग से ली हुई शॉट। और टीजर में दिखाया गया ये चमकादार वाला शॉट का इम्प्रूवमेंट तो हमें दिखाया ही नहीं गया, जिसके लिए मैं पूरी ट्रेलर वेट कर रहा था। बुरी हो या अच्छी, जो भी कारण हो, पर मूवी की हाइप रियल है, और आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड टू सी देयर फाइनल रिजल्ट इन थिएटर, होपफुली इन 3D। क्या आप लोग इस मूवी को एक ट्राई देना चाहोगे? कमेंट में बताना। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कुछ भी ओपिनियन है तो कमेंट में बताना, और हमारे चैनल फिक्शन फोबी को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी Volume 3 मूवी का रिव्यू देखने के लिए पिन कमेंट में चेक कर लेना।